रामचंद्र हरण दीन, रामचंद्र रघुबीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, बोलो राम चंद्र मम बंधु, राम चंद्र दया सिंधु, राम चंद्र मम बंधु, राम चंद्र दया सिंधु, राम राम बोलो राम राम। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी नमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रातःकालीन सत्र में है। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का ये उत्साह है श्रद्धा है कि आप रोज रामायण का प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित आ रहे हैं।
तो आप सभी को धन्यवाद देते हुए, आप सभी के प्रार्थना एवं आशीर्वादों की कामनाएं करते हुए हम आज बालकांड में दशम सर्ग को शुरुआत करेंगे। इसका शीर्षक है अंग देश में ऋष्य श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। सुमत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाजेत वचस्तदा यथश्य श्रृंगस्त्वानीतो एनापायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मन्त्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्य श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं आपको बता रहा हूं, आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न या बाधा के आने की संभावना नहीं। अभी इसका इतिहास यहाँ पर आता है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऋष्य श्रृंग थे उनके पिताश्री का नाम था विभांडक ऋषि, और विभांडक ऋषि एक समय वैरागी जीवन में लगे थे। उन्हें विवाह या स्त्री संपर्क ये कुछ नहीं करना था। उन्हें अखंड ब्रह्मचारी व्रत में भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या आदि सब करना था। तो बड़ी उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान को प्रसन्नता करने के लिए वो जंगल में तपस्या करने लगे। मगर वो तपस्या के दौरान, अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा है कैसे, मगर एक शायद इंद्र कोई एक अप्सरा भेजते हैं जो उनको शरण जाती है, तो वो उनसे विचलित होते हैं या अप्सरा उनको क्या कहते हैं, वो प्रसंग तो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, मगर उसके कारण उन्हें उस अप्सरा को वीर्य देने के लिए वो तैयार होते हैं। तो वे कहते हैं, देखिए आप मेरे शरणागत हुए हैं इसलिए मैं आपको मेरा वीर्य दे रहा हूँ, मगर एक सामान्यता स्त्री पुरुष पुत्र के लिए जैसे साथ आते हैं वैसा वो उस अप्सरा के प्रति आकर्षित नहीं होते, वो अपने तपस्या में बड़े कठोर रहते हैं, तो वो एक वीर्य उनको धारण करने के लिए, जैसा हम किसी को महाप्रसाद या कुछ देते हैं खाने की वस्तु, वैसा वो वीर्य उनको देते हैं। वो कहते हैं कि आप इसे ग्रहण कीजिए और आपको इसके द्वारा पुत्र प्राप्त होगा। मगर जब वो वीर्य को हाथ में वो अप्सरा जो है वो लेती है तो वो वीर्य इतना तेजशाली रहता है, उसमें इतना तेज रहता है कि वो तेज से वो भयभीत हो जाती है। उसे लगता है कि ये ऋषि की तपस्या इतनी प्रचंड है, इतनी शक्तिशाली है कि शायद मैं ये वीर्य धारण ही नहीं कर पाऊंगी, अगर वीर्य धारण किया तो मैं शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसका मन उसे बहलाता है। तो फिर वो अप्सरा क्या करती है, वीर्य तो लेती है मगर वो एक हिरण को दे देती है, यानी हिरनी हिरनी को दे देती है। तो वो हिरनी को वीर्य जब प्राप्त करती है हिरनी, तो वो उससे गर्भवती हो जाती है और वो वीर्य के द्वारा वो हिरनी कुछ समय के बाद एक बछड़े को जन्म देती है। मगर ये बछड़ा बड़ा विशेष है, वो हिरन नहीं रहता है मगर वो पुरुष रहता है। तो पुरुष का बालक हिरनी के गर्भ से जन्म लेता है और उसको हिरन के सिंह रहते हैं, इसीलिए उस लड़के का नाम ऋष्य श्रृंग
हो जाता है और वो अप्सरा अपने ही कार्य में इतनी मशगूल रहती है कि शायद वो हिरनी को वीर्य देने के बाद फिर से उधर आती भी नहीं है। मगर वो ऋषि श्रृंग ऐसा ही बेचारा जंगल में बच्चा पड़ा है जो विभांडक ऋषि उसे देखते हैं। तब दिव्य दृष्टि से अपने तपोबल से उन्हें पता चल जाता है कि ये अप्सरा ने क्या कार्य किया, तो फिर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं कि देखिए किसी को आश्रय देने के लिए उनको सहायता करो तो वे लोग भी ऐसे गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। तो फिर वो लड़के को घर पर लेके आते हैं और वे सोचते हैं ठीक है मैं इस लड़के को बहुत अच्छा ब्रह्मचारी बनाऊंगा, इसको ऐसा अनैष्टिक ब्रह्मचारी बनाऊंगा कि मुझे तो मेरा वीर्य किसी को देना पड़ा मगर ये कभी स्त्री नाम की क्या वस्तु है यही नहीं देख पाएगा, ये इसको जंगल में ऐसी तपस्या करवाऊंगा और इतने अच्छे से भगवान के भक्ति पूजन में लगाऊंगा और मेरे कुटिया के आसपास किसी स्त्री को घूमने भी नहीं दूंगा। तो बड़ी सुरक्षा से उस बच्चे को वो छोटे से बड़ा करते हैं इस प्रकार से। तो अभी आप सोच सकते हैं कि ये सब ज्ञान रोमपाद महाराज और उनके मंत्रियों को था, इसलिए वो लोग डर रहे थे कि वो ऋषि श्रृंग को अपने राज में बुलाना है, उसको अपनी कन्या के साथ विवाह कराना है और ये अगर करने के समय अगर विभांडक ऋषि को समझ गया तो क्या हालत होगी, क्या शाप वो दे सकते हैं, इसका कुछ अंदाजा नहीं है, इसलिए सब लोग डरे थे। और यहाँ पर फिर उनके पुरोहित कहते हैं कि ठीक है आप कोई चिंता ना करें, हम उसका व्यवस्थापन वेश्याओं के द्वारा करेंगे। तो ये इसकी पार्श्वभूमि है। ऋष्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वदा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तो इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि ये देखिए कुछ तो कारण हो गया, कुछ तो गलती हो गया जिसके कारण रोमपाद महाराज के राज में बारिश नहीं हो रही है और अकाल पड़ गया है, इसलिए उनको अपने राज्य का जिम्मेदारी ढोने के लिए या संभालने के लिए वहां पर एक बहुत तेजस्वी व्यक्ति को लाना है, इसलिए वो ऋषि श्रृंग का जानकारी उन्हें पता चलता है और वो उनको वहां पर लेके आ रहे हैं। मगर ऋषि श्रृंग के पिताजी की इच्छा है कि ऋषि श्रृंग ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तो इसमें देखिए ऐसे कुछ कुछ प्रसंग हमारे भक्तिमय जीवन में भी होते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अभिलाषा होती है कि हमें क्या करना चाहिए और कभी कभी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार ये लोगों के भी अपने मन में कुछ अलग अलग अभिलाषा सपने या इच्छा होती है। खास करके हमारे ब्रह्मचारी जीवन में हम देखते हैं कि जब भी कोई भक्त ब्रह्मचारी आश्रम में आता है या ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा करना चाहता है तो शुरुआत में उनके माता पिता को बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को पाला पोसा, छोटा से बड़ा किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है कि नहीं, तो उनका बहुत सारा सपना रहता है कि मेरे बेटे ने आगे जाके क्या करना है।
तो ये बड़ा संवेदनशील हो जाता है। अगर जो भक्त ब्रह्मचारी आश्रम में आना चाहे तो उसने संवेदनशीलता के साथ अपने माता पिता गुरु के साथ व्यवहार रखना चाहिए, संबंध नहीं तोड़ने चाहिए इसी प्रकार से। और वो सब समझाते हुए वो ब्रह्मचारी आश्रम में आता है। मगर ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे जो ब्रह्मचारी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कुछ गृहस्थ भक्तों की इच्छा होती है कि ऐसे ब्रह्मचारी भक्तों को हम ब्राह्मण भोजन के लिए अपने घर में बुलाएं, क्योंकि शास्त्रों का ये भी सार है, ये भी शिक्षा है कि जो गृहस्थ या परिवार जीवन में लगे हुए लोग हैं, उनके इच्छा या अनिच्छा से भी कभी कभी कुछ गलत कार्य हो जाते हैं या पाप कार्य का उनको भागीदारी होना पड़ता है। तो वो अगर हमारे अपने घर पर वैरागियों को या सन्यासियों को बुला के उनको भोजन प्रसाद खिलाए तो क्या होगा, उनके सारे पाप वो भोजन प्रसाद खाने वाले जो वैरागी है वो पचा लेंगे, है कि नहीं? तो ये ब्राह्मण भोजन का जो संस्कृति है ये बड़ा अच्छा संस्कृति है, मगर कभी कभी उसका पूरा जानकारी ना होने के कारण लोग उसका गलत अर्थ निकालते हैं या गलत धारणाएं बना के रखते हैं। तो ठीक है, अगर कोई गृहस्थ भक्त अपने घर पर ब्रह्मचारियों भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाना चाहते तो उसमें गलत नहीं है, मगर जब ब्रह्मचारी भक्त या वैरागी सन्यासी भक्त वहां पर प्रसाद पाने के लिए जाते हैं तो वो उनका भी धर्म है। इसके लिए शिल प्रभुपाद जी श्रीमद भागवतम के एक श्लोक में बड़े जोर देकर बोलते हैं कि वो ब्रह्मचारी या सन्यासियों ने भी निर्णय लेना है कि हमें जाना है या नहीं। वो कह सकते हैं कि प्रभु जी हमें थोड़ा मुश्किल है, डायरेक्टली मना करेंगे तो शायद भक्तों को दुख लगेगा, है कि नहीं? अगर कोई भक्त आ भी जाए कि हाँ ठीक है हम ब्राह्मण भोजन करेंगे, तो ब्राह्मण भोजन कराने वाले गृहस्थ की इच्छा है कि हम उनकी सेवा करें, मगर जो ब्राह्मण भोजन पाने वाले भक्त है उनकी भी चेतना ये होनी चाहिए कि मैं ये भक्तों की सेवा और प्रेम स्वीकारने के लिए वहां पर प्रसाद के लिए जा रहा हूँ। वो अगर भक्त सोचे कि नहीं मैंने बहुत दिनों से चाइनीज नहीं खाया है कि नहीं, इसलिए 2 दिन पहले वो बताएंगे कि प्रभु जी हमारे लिए है ना, अगर महाराष्ट्र के हैं तो पूरण का पोड़ी बनाओ या चाइनीज बनाओ। तो ये अभिलाषा से किसी ब्रह्मचारी या वैराग्य ने जाना नहीं चाहिए कि अरे इनके यहाँ पे तो बहुत अच्छा आइसक्रीम खिलाते हैं, हम तो ब्रह्मचारी है गोविंदा का प्रसाद खाते नहीं है, आइसक्रीम कुल्फी मिलती नहीं है, तो अच्छा अवसर है कि अभी जितना चाहे उतना आइसक्रीम कुल्फी खा ले। और गृहस्थ लोग तो बड़े धन्य हो जाएंगे कि ब्रह्मचारी को हमने पेट भर खिलाया, है कि नहीं? ये गलत धारणा है या ये गलत भावना है एक ब्रह्मचारी के हृदय से। तो इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ये प्रसंग आ रहा है कि अभी ऋषि शृंग को स्त्रियों के प्रलोभन से अपने राज में बुलाने के लिए रोमपाद महाराज लगे हैं, क्योंकि उनको अपने राजी राजा का जिम्मेदारी पूरा करना है इस प्रकार से। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। तो वैदिक समय में वेश्याएं जो रहती थी वो भी बड़ी सुसंस्कृत रहती थी, है कि नहीं? ऐसा नहीं था कि आजकल तो बहुत विचित्र रूप हुआ है सब कार्यों का, तो वो वेश्याओं को भी कोई समझ में नहीं आएगा कि अरे ये वेश्याएं करके। ऐसा कहा जाता था कि उनका जिस प्रकार से वो अपने बालों को संवारती थी, वो बालों के संवारने के पद्धति से ही लोगों को समझता था कि ये वेश्या है, नहीं तो उनका बोलना चालना रहन सहन वो उतना ही सुसंस्कृत था जितना कि बाकी कोई एक अच्छे उच्चे परिवार की स्त्रियां। मुनि कुमार ऋष्यशृंग
बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तो आप देख सकते हैं कि ऋष्यशृंग कैसे इस भौतिक संसार के जाल से काफी दूर थे। तदनंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। इससे पता चलता है कि ये वेश्याएं वहां पर काफी दिनों से रुकी थी। इस लड़के को, इस युवक को अपने कुटिया से बाहर आने की प्रतीक्षा करते। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, या हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती है। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूं। मेरा नाम ऋष्यशृंग और तपस्या आदि कर्म से इस भूमंडल में प्रसिद्ध हूं। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर है, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभकारक है। आप मेरे आश्रम पर चले, वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधि पूजन किया। क्योंकि उसके लिए तो ये अतिथि है ना, स्त्रिया है या पुरुष है ये भी उसे पता नहीं, वह अतिथि का स्वागत कर रहा है। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभंडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो, इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। उनका रसा स्वाद दान करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ खाए ही नहीं थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसे वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है।
तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि ने सॉरी तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने से वहां से चली गई। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं तथापि वहां भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहां तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। एकादश सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहां जाकर वहां से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आना। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुना दिया था। तो ये इतिहास बता रहे अभी कौन सुमंत्र किने दशरथ महाराज को। इक्ष्वाकुणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिका नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिस्रव। उन्होंने कहा था इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता।
तो शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। इसकी चर्चा हमने कल की थी। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूं, यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋष्य श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋष्य श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के चार पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। तो ये इतिहास बता रहे हैं सुमंत्र दशरथ महाराज को कि उनके बारे में भविष्यवाणी सनत कुमार ने की थी, वो भी सत्य युग में ऋषियों के साथ। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत्, अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तपुरस्सहामात्य प्रययो यत्र सद्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बात कही और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋष्य श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋष्य श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दे। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जाने पड़ते थे। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्य श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्य श्रृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले
ऋषि शृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वज पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्य शृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्य शृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्र आंखों वाले इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन देव का समादर किया था। ऋषि को अंतपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल आंखों वाली शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गई। क्यों? क्योंकि शांता ये तो कौशल्या की ही पुत्री है ना, तो एक प्रकार से वो अपने मायके ही आई है। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषता महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्य शृंग के साथ बड़े सुख से रही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। इस पे हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो ऋष्य शृंग है उनके पिताजी विभांडक ऋषि, इन्होंने इतनी तपस्या की, अपने हृदय चित्त मन को शुद्ध रखा और उसके कारण अच्छे संस्कार अपने पुत्र पर वो दे दे सके जो उनका पुत्र है ऋष्य शृंग। अर्थात उनकी ये अभिलाषा थी कि ये पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहे, मगर शायद वैसा ना हो, शायद नहीं, असली में ही है, इतिहास ही है कि वो नहीं हो पाया, वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाए कुछ कारणवश। वो रोमपाद महाराज का जो प्लान था, योजना थी, वो सफल हो गई। फिर वो वेश्याओं से आकर्षित हो गए और फिर रोमपाद महाराज के घर पर आए, फिर वहां पर उनके पुत्र के साथ विवाह हो गया। ये एक प्रसंग है, मगर इसी प्रसंग को हम एक दूसरे एंगल से या दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वो क्या है कि जब हम हमारे धर्म और भक्ति के कार्यों को बड़े सावधानी से, प्रामाणिकता से, तीव्रता से भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, उतने ही हमारा शुद्धता बढ़ेगा। जिस प्रकार ऋष्य शृंग ने इतना शुद्ध जीवन जिया था और वो तपस्या के बल का लाभ भी रोमपाद महाराज को अपने राज्य में अच्छा वर्षा के साथ हुआ, और बाद में आप देखेंगे कि दशरथ महाराज के लिए ये सारा यज्ञ का विधि ऋष्य शृंग मुनि करते हैं और उसके द्वारा दशरथ महाराज को साक्षात विष्णु भगवान के अवतार राम और लक्ष्मण, सॉरी, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चार विष्णु मूर्ति उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है हमें ये श्रद्धा विकसित करना कि भक्ति ये हमारे जीवन की
सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। हमने तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए और हमारे चित्त को शुद्ध बनाने के लिए भरकस प्रयास करना चाहिए। एक और है कि हम ये कोरोना के कारण किधर जा नहीं पा रहे हैं। अगर एक भक्त के रूप में आप देखेंगे कि इसी बहाने हमें कितना श्रवण करने को मिल रहा है कि नहीं, हम रोज राम कथा सुन पा रहे हैं, उसका आस्वादन ले पा रहे हैं, उसका चिंतन कर पा रहे हैं, या आपको बाहर के आपका परिवार छोड़ा तो बाहर के भी किसी मनुष्य को भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है दवाई या कुछ आपका अनाज है या सब्जी है उसके लिए आप बाहर जाते होंगे, या उसके सिवा आपको किधर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक भक्त इसे एक आशीर्वाद के रूप में भी देख सकता है कि जितना भी दिन ये है उतना दिन अपने भक्ति को तीव्रता से करें। दूसरा चीज है, जिस प्रकार से ये बीमारी बढ़ रही है और फैल रही है तो सब जगह पे आतंक मच गया है। काफी सारे लोग, मेरा एक विद्यार्थी है, उसके साथ कुछ दिन पहले मैं फोन पर बात कर रहा था तो मुझे बोलने लगा कि सर अभी मैं इतना पक गया ये कोरोना का खबरें सुन सुनकर कि मैंने मेरा सोशल मीडिया ही बंद कर दिया। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा किया आपने, आपने आपका सोशल मीडिया ही बंद कर दिया। तो इससे ये जो कुछ आतंक बाहर फैल रहा है और उस आतंक के कारण क्या हम अपने भक्ति में विचलित हो रहे हैं, क्या हम अपने पारिवारिक जीवन में विचलित हो रहे हैं, क्या हमें गरीबी का या अकाल का या मृत्यु का डर सता रहा है, ये हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा है कि नहीं। भक्त के लिए तत्व ज्ञान ये केवल प्रवचन में बोलने की या सुनने की बात नहीं है, मगर भक्त के लिए जो भी हम भगवद गीता रामायण महाभारत का तत्व ज्ञान सुनते हैं या लोगों को बताते हैं उसके मन में बड़ी इच्छा होनी चाहिए, आतुरता होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए कि ये जो कुछ तत्व ज्ञान मैं सुन रहा हूँ या सुना रहा हूँ इसका पालन करने को भी थोड़ा अवसर चाहिए। और ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि हमें हमारे जीवन में क्या असली प्राथमिकता है, ये प्रश्न हम अपने आप को करें। जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये तो किसी को छूटने वाली नहीं है, मगर ये सब समस्याओं के साथ रहते हुए हमें अपनी कृष्ण भावना को बढ़ाना है और हमें अपने भक्तिमय जीवन में हम कितने अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं, शास्त्रों का पठन कर पा रहे हैं और भक्ति के लिए आवश्यक श्रद्धा और भक्तों के रूप में आवश्यक गुण अपने चरित्र में उतार पा रहे हैं, हमें भूख और प्यास रहनी चाहिए। बाकी सारी शरीर की भूख प्यास आप सुबह ब्रेकफास्ट खा लो तो दोपहर में तो भूख लग ही जाती है कि नहीं। इस शरीर को आप कितना भी सुख देने का प्रयास करो, ये शरीर और शरीर की इंद्रिया जो भौतिक तत्वों से बनी हुई है वो कभी भी शांत या समाधानी नहीं होने वाली। इसलिए भक्ति जो है, भक्ति ही हमें परम शांति, परम सुख और परम आश्रय प्रदान करने वाली है। और भक्ति का वो आश्रय स्वीकार करने के लिए हमें इंद्रियों के ऊपर निग्रह रखना बड़ा जरूरी है। अभी तो हमारे ऊपर कुछ कुछ जोर जबरदस्ती की जा रही है, इसके कारण हम लोग चुपचाप अपने घर में बैठे हैं, मगर यही समय है कि हमें जो भी थोड़ा समय मिला है उसमें से कुछ समय हम अपने आत्म संशोधन पर करें। ऐसा कहा जाता है कि मुझे वो इंग्लिश में नहीं समझ में नहीं आ रहा है, शायद शब्द इधर उधर होंगे, कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप है कि नहीं। खाली जब मन रहता है तो वो शैतान का घर रहता है। अगर हम कुछ काम ना करें, अपना नौकरी का काम ना करें, घर का काम ना करें, या हम हमारी साधना भी ना करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ना करें, शास्त्रों का पठन ना करें, फिर
खाली अगर घर में बैठे रहेंगे तो घर हमें पाप करने के विचार मन में आएंगे, या हमारे मन में बहुत ज्यादा भय प्राप्त हो जाएगा। अरे इतने लोग मर रहे हैं, अमेरिका में इतने लोग मरे है कि नहीं। मैंने आज सुबह सुना कि आज तक पूरी दुनिया में 64,000 लोगों की मृत्यु हो गई है, पूरी दुनिया में इस प्रकार से। तो ये सब जब सुनते हैं हम लोग तो हमारे मन में एक तो भय आता है, और भय अगर बहुत ज्यादा हो गया और शरीर अच्छा चल रहा है तो सबसे पहले व्यक्ति सोच लेता है कि मैं बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर लूंगा, है कि नहीं। पता नहीं अगर 6 महीना और 1 साल के बीच में अगर मेरी मृत्यु हो गई तो इस प्रकार से लोग बहुत ज्यादा पाप कार्य में लग जाते हैं। या कोई कोई लोग बेचारे जो कमजोर हृदय के रहते हैं उनका भी बीपी बढ़ता है, किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है कि नहीं। बेचारा कोरोना से नहीं मरेगा, मगर कोरोना के डर से जो हार्ट अटैक आ गया है उससे उसकी मृत्यु हो जाती है कि नहीं। ये भय या असुरक्षितता या पाप करने की तीव्रता, ये जो भी कुछ अलग अलग लक्षण है, ये सब लक्षणों की एक ही जड़ है कि हम शारीरिक चेतना में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इसीलिए अगर हमारे मन में ऐसे कुछ भी विचार आते हैं तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, या उस विचार के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमने अपनी भक्ति, भगवान का हरि नाम, भगवान की हरि कथा, या भगवान की जो कुछ सेवा आप कर सकते हैं उस प्रकार से सेवा करते हुए अपने मन और इंद्रियों को भगवान की संबंध में अच्छे से जुड़ाना चाहिए, और उससे हमें असली शांति, असली आश्रय और वास्तविक सुख प्राप्त होगा। और यही एक भक्त का जीवन है। हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि किसी को ये बीमारी ना हो, और बीमारी होने के बाद भी दूसरी प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी को बीमारी भी हो जाए तो बेचारा वो सही सलामत उससे ठीक हो जाए। मगर मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। मगर जो भक्ति में लगा है, अगर उसकी मृत्यु भी हो गई तो उसमें कुछ नुकसान है क्या? भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो ये श्लोक अभी हमें अपने जीवन में उतारने का समय आया है कि हम अपने भक्ति को अच्छे से करें, तीव्रता से भक्ति में लगे और हमारा श्रद्धा का अच्छे से पोषण करें। बाकी जरूरी नहीं है कि सब कोई लोग कोरोना से मरेंगे, अगर हो जाएगा कि कोरोना के समय में कोई दूसरा ही कुछ जीवन में उठपटांग काम हो जाए और किसी की मृत्यु हो जाए, तो हमने भौतिक अस्तित्व से आसक्त नहीं रहना है, हमें भगवान की भक्ति से आसक्त रहना है। और हमारा भय ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए या मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भक्त के लिए असली मृत्यु है जब वो अपने भक्ति के धन को खो बैठता है। इसलिए हमारे लिए मृत्यु से भी ज्यादा बुरा प्रसंग वो है जब हमारे मन से भक्ति करने की प्रेरणा, भक्ति करने की श्रद्धा दूर होकर हम कुछ गलत विषयों के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा लेते हैं। ये बड़ा विशेष है। तो आइए हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करें कि अगर उनकी इच्छा है, उनकी कृपा है, तो ये बीमारी पूरी दुनिया से जल्द चले जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो वो भगवान के भक्ति में बड़े उत्साह से जुड़े। और दूसरी प्रार्थना हमने ये करनी चाहिए कि भगवान चाहे अच्छी स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, आप कृपा करके हमारे ऊपर ये आशीर्वाद बना के रखे कि हम हमारी जो नित्य शाश्वत
धन संपत्ति है जो आपकी शुद्ध प्रेममयी भक्ति है उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाए। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, दान देगा देवा तुझा विसरण वावा, तुझा विसरण वावा, तुझा विसरण वावा। इसका अर्थ है कि तुकाराम महाराज बोलते हैं, भगवान विट्ठल पांडुरंग, मुझे दूसरा कोई दान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप एक ही दान दीजिए, एक ही आशीर्वाद दीजिए, और वो है कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं। तो भगवान के भक्त के लिए भगवान को जब वो भूल जाता है वो सबसे बड़ा दुख है, वो सबसे बड़ा संकट है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो ये हमारा असली भगवान के कृपा आशीर्वादों के लिए इच्छा रहे। मैं आप सभी भक्तों का बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने इतने अच्छे से नियमित रूप से रोज रामायण कथा सुन रहे हैं, और इस प्रकार से प्रार्थना करके प्रभु रामचंद्र जी के पूरे पूरे भूरे भूरी भूरी कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। ऋषि की शिल प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा।